पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन किया। गौरतलब है कि ये पहला मौका है जब इसका आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इस युवा प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई। प्रवासी भारतीयों के बीच बोलते हुए पीएम ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर सरकार एक रुपया भेजती है तो 15 पैसे ही गांव में पहुंचता है। जिस पार्टी ने कई साल तक राज किया उस पार्टी के प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने तकनीक का इस्तेमाल कर इस लूट को खत्म किया है। अब हम सब्सिडी का सारा हिस्सा सीधे बैंक अकाउंट के जरिए लोगों को सीधे पहुंचाते हैं। अगर हम पुरानी नीति से पहुंचते तो करीब 4.5 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति की लूट हो जाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकारों में काम करने की नीयत ही नहीं थी। साथियों, आप में से अनेक लोगों ने हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कही एक बात जरूर सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली से जो पैसे भेजती है उसका सिर्फ 15% ही लोगों तक पहुंच पाता है। अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है, 85 पैसे छूमंतर हो जाते हैं। ये एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने हमारे देश में कहा था। इतने वर्ष तक देश पर जिस पार्टी ने शासन किया उसने देश को जो व्यवस्था दी थी उस सच्चाई को प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन अफसोस ये रहा कि बाद के अपने 10-15 साल के शासन में भी इस लूट को, इस लीकेज को बंद करने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पहली बार जब दुनिया भर के प्रवासी भारतीय जुटे हैं, ऐसे में 2019 के सियासी रण से पहले अपनी सरकार की सबसे बड़ी सफलता का जिक्र करने से प्रधानमंत्री नहीं चूके। और तो और इसके बहाने पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साध लिया और साधा तो सीधा राहुल गांधी पर, वो भी उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आसरे। पीएम को इस बात का एहसास है कि बनारस में जुटे दुनिया भर के भारतीयों के सामने दिया गया संदेश दूर तक जाने वाला है।